गौ संबंधन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद उपचुनाव में चला रहे मतदाता जागरूकता अभियान। गौ संबंधन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद आज बिजावर में बड़ा मलेरा की पूर्व विधायक श्रीमती रेखा यादव के निवास पर पहुंचे। प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में हर सीट पर उनके द्वारा मतदाता जागरूक अभियान चलाकर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में आज बड़ा मलेरा उपचुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने पहुंचे हैं। स्वामी अखिलेश्वरानंद का कहना है, यह उपचुनाव कांग्रेस पार्टी में नेताओं के द्वारा पाला बदलने के कारण हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से लगातार नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस इन हालात में स्थायी सरकार नहीं दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने कोरोना जैसी महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया है और आने वाले समय में भाजपा ही स्थायी सरकार दे सकती है। बिजावर से MP7 न्यूज मध्य प्रदेश के लिए संतोष सिंह परिहार। कि ये उपचुनाव है, आम चुनाव नहीं है और इसलिए इसमें मतदाता मौन भी है और प्रत्याशी अपनी मेहनत कर रहे हैं और एक विपरीत परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है। COVID-19 का जो भयावहता है उसके कारण लोग ना तो सभा कर पा रहे हैं, ना बड़ी भीड़ में निकल पा रहे हैं, तो इस दृष्टि से मतदाताओं के बीच में और जो जनमत निर्माण करने वाले साधु संत महात्मा है, जिनकी समाज में आवाज़ होती है और जिनकी आवाज़ पर लोग अपना मन बनाते हैं, तो ऐसे प्रभावशील व्यक्तियों के बीच में भी मैं मिलने जा रहा हूँ। उसी क्रम में ये मेरा आज का अंतिम प्रवास है और चूँकि बड़ा मलेरा में भी चुनाव हो रहा है तो मैं अपने मित्रों से मिलने के लिए और इस क्षेत्र में मैं अपील करने की दृष्टि से आया हूँ।